मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर व राजघाट स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों मंदिरों के शिवलिंग पर दूध भांग धतूरा बेल चावल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। वहीं मानसरोवर मंदिर में अपने माता पिता के साथ आए बच्चों से बात की और उन्हें प्रसाद भी दिया। बच्चों के जिद करने पर मुख्यमंत्री योगी ने फोटो भी खिंचवाया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी शिव भक्त व्रत रहकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। मुख्यमंत्री योगी ने भी मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुनीस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, श्रद्धालु सनी गुप्ता, हिंदुस्तानी अमृत ने कहा। लोकान् कर्मेण जगद्गुरुकृपया काले
हरि ओम सत तीर्थ पुरुष सकाच सहस्रपात सबूंदु सर्वात तीर्थत सांगुलम प्राण शरीर प्रिय पूजा देवी जय जय दुर्गा श्री महादेव शंभो पूजा यात्रा परिक्रियताम अरे इधर तुमने दर्शन के लिया है ना, तुमने दर्शन किया जी मंदिर में दर्शन किया खाओगे फल मंगाना रहे इनके लिए केला खाओगे बेटा इधर बेटा केला एक भाई बेटा पीछे जाओ तो सर फोटो हो गया फोटो खींच दो इनका जगह तुरंत पकड़ो भैया 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 फोटो खींचाओ बे इधर रुक के अरे फोटो खींचवा लो आ जा इधर खड़ा हो ऐसे अरे हंसते हुए रे अरे उधर 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 देख हंसते हुए चलते रहिए आप लोग चलिए
ये तो हमारा भारत में ही नहीं विश्व में ये त्यौहार मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। भगवान शिव जी का कृपा बरसती है आज। साधु संत गृहस्थ जो भी हो, सारे लोग व्रत रहते हैं, भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये तो महान पर्व है। बताया जाता है काफी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है आज के दिन। जी गोरखनाथ मंदिर में भी ये परंपरा, भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। आज हम मानसरोवर में यहाँ खड़े हैं, जो प्राचीन शिव जी का स्थल है। यहाँ सारे देवी देवताओं का वास है, भारी भीड़ लगी हुई है जनता का। यहाँ लोग जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हम सब लोगों की श्रद्धा आस्था भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। आज सारा जन जन पूरा सैलाब उमड़ पड़ा भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। महाराज जी ने रुद्राभिषेक किया, आज रुद्राभिषेक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी किए हैं। अभी मानसरोवर का दर्शन करेंगे, यहाँ भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन किए, वहाँ भगवान शिव जी को जल चढ़ाए। मंदिर गोरखपुर में शहर में अन्य मंदिरों का भी वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। उनका यह कार्य अनुकरणीय है, हम लोगों को उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हमारा पूरा विश्व, भारतवर्ष के जन जन लोग भगवान शिव जी को जल चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण करें। आज महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पर्व पर पूज्य महाराज श्री बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि पर है। आज बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी का उन्होंने अभिषेक किया है और आज यहाँ पर फिर महादेव झारखंडी बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। भरोहिया में जाकर के बाबा भोलेनाथ से पूज्य महाराज जी आशीर्वाद लेंगे। हम लोग भी यही चाहते हैं, गोरखपुर की जनता चाहती है, जिस तरह से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश पर बरस रहा है, उसी तरह से बाबा भोलेनाथ पूज्य महाराज जी को दीर्घायु रखें, सदायु रखें, ताकि जनता की सेवा पूज्य महाराज जी कर सकें। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी खुद आए यहाँ पर, दर्शन किए और दर्शनार्थियों से मिले। निश्चित ही ये बहुत बड़ा संदेश है उनकी आस्था और उनके विश्वास के प्रति। निश्चित ही आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि पूज्य महाराज जी को यशस्वी करें और इसी तरह वह देश और जनता की लगातार सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सनी गुप्ता, हिंदुस्तानी। इस महाशिवरात्रि पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मानसरोवर मंदिर में। सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभी यहाँ आगमन होने वाला है। इस उपलक्ष्य में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान भोलेनाथ सबकी कृपा बनाए रखें। काफ़ी महत्व होता है आज के दिन। बिल्कुल महत्व होता है, ये हिंदू धर्म का पावन पर्व है ये, और भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आराध्य बिल्कुल पूर्ण होती है भैया। महाशिवरात्रि में सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र भगवान को अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है,